देखिए, ये मेरी इस फिल्म का पहला शॉट था और मैं एक टीचर हूँ इस फिल्म में, लेकिन ये क्लाइमेक्स है तो थोड़ा अलग रंग में दिख रहा हूँ। तो एक क्लाइमेक्स में एक सरप्राइज़ है सबके लिए कि ये करेक्टर ऐसा क्यों है। तो ये शॉट अभी मेरे ऊपर हुआ है और एक अच्छी टीम है पूरी फिल्म, एक बहुत बढ़िया टीम है। हमारे सुजीत जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने काफ़ी बड़ी हिट फिल्म बनाई है, सत्या और क्रिक फाइटर, ये सब बड़ी फिल्म उन्होंने बनाई है, और भोजपुरिया राजा, उनके सारे फिल्म के गाने मिलियंस व्यूज़ में हैं। इस फिल्म में हीरो हमारे प्रिय हैं कल्लू जी, बहुत ही नेक दिल, छोटे भाई मैं कहूँगा, छोटा भाई है, और नोकझोंक हमेशा मैं उनके साथ होता रहता है। और बहुत अच्छी बात है कि कल्लू जी ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया इस समय, एज एन एक्टर इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करेंगे। और इस फिल्म की भी कहानी थोड़ी अलग हटके है, हीरोइन है यामिनी, और यामिनी भी बहुत कम समय में एक अपना मुकाम बना लिया है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साथ में है हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे इकलौते एक्टर जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्म में काम किया है, काफ़ी हिंदी फिल्में की हैं, और उनकी अभिनय के बारे में इतना कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं वो। अगर जो नए लोग हैं, जो नए लड़के जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो अमित जी से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक सामंजस्य बना कर रखा है हिंदी में, भोजपुरी में। और उनकी जो फिल्म है हॉलीवुड, अभी ऑस्कर में इस बार नॉमिनेशन है उनके लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित शुक्ला जी मैं ही बोलूँगा, बहुत अच्छा अभिनेता है। तो एक टीम है, अनूप लोटा जी हैं, बहुत बढ़िया कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। और ये मैं धड़कन फिल्म के बाद इस टीम के साथ वापस काम कर रहा हूँ, सुजीत जी के साथ काफ़ी समय हो गया था, तो इस बार हम लोग मिले हैं, जुड़े हैं। और इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं फिरोज़ खान जी, जिनके बारे में क्या कहूँगा, बहुत अच्छे कैमरामैन, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, जय हिंद बनाई है उन्होंने, पवन पुत्र बनाई है, इसके दीवाने बनाई थी। तो कहने का ये है कि एक अच्छी टीम है, और अरुण सिंह जी इसके निर्माता हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म बने। तो हम सब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, साथ में इस फिल्म में नमिता पांडे जी भी हैं और चंद हमारे यहाँ लखनऊ के कलाकार हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ कि अब आप के पास मौका है अच्छा करने की, आपके घर में एक मौका है, आपको बॉम्बे जाना नहीं पड़ रहा है स्ट्रगल करने, तो आप अच्छा करिए, और मेरे विशेष आप सबके साथ हैं। ये बताए सुजीत सिंह जी डायरेक्टर हैं, सबसे अच्छी बात है सुजीत जी की जितनी फिल्में हैं, सत्या, क्रैक फाइटर, राजा भोजपुरिया, उन सब के ऐसे ऐसे गाने सुपर डुपर हिट हुए जिन्होंने इतिहास ही रच दिया है, और इस फिल्म में भी मुझे उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही गाने होंगे जो एक इतिहास रचे। और धड़कन के बाद मैं सुजीत जी के साथ काफ़ी काम कर रहा हूँ, और सुजीत जी जब शायद डायरेक्शन में नहीं थे तब मैं छोटे छोटे रोल करा करता था, तब से सुजीत जी से बातचीत है और उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो कुल मिला के सेट बहुत ही अच्छा है, और देखिए आप एक बार उस तरफ घुमाइए, देखिए कितना बड़ा सेट लगा है। आओ आओ, तो आपने देखा कितना बड़ा सेट लगा है। तो पूरी कोशिश है अच्छी फिल्म बनाने की, और देखिए हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। तो ये फिल्म इस बार मुझे लगता है कि, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फैमिली ड्रामा जो चल रहा है आजकल, शूटिंग्स ज़्यादा है, तो उस हिसाब की फिल्में बन रही हैं, पारिवारिक फिल्में बन रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो फिल्म है उसके लिए आप सब भी प्यार दीजिएगा और अपना अपना प्यार बनाए रखिएगा, ये फिल्म आप सबको पसंद आएगी मुझे लगता है। भारत फिल्म एकेडमी के बारे में मैंने वही कहा ना कि जो यहाँ के लोगों को मौका मिल रहा है, जो यहाँ के एक्टर्स जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अभिनेता बनने का सपना देखा है, ख्वाब देखा है, उनको बॉम्बे जाकर स्ट्रगल नहीं करना। आज लखनऊ हब बना हुआ है, बड़ी फिल्में आ रही हैं, हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में रेगुलर यहाँ शूटिंग चल रही होगी, मुझे लगता है अभी यहाँ पर कम से कम 5-6 फिल्मों की शूटिंग चल रही होगी, वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही होगी, सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग चल रही थी, तो वेब सीरीज चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा मौका है, और एक हर एक कलाकार को, एक अभिनेता को कम से कम बेसिक पता होना चाहिए, और ये एकेडमी वो बेसिक प्रदान कर रही है। आप सीख रहे हैं, सीखिए, और आराम, और आप सबको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहिए और इस एकेडमी से जुड़ कर सीख के, जिन्होंने जैसे कि आपने देखा कि मैं काफ़ी लोग उस एकेडमी के हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरुण जी को कि उन्होंने सारे कलाकारों को काफ़ी मौका दिया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आप सब खुश रहिए और मेहनत करिए।
मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।